हरे महादेव और आज आप सबका स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में और ये देखिए बोलबम के नारा से आज गूंज रहा है बाबा का पूरा ही नगरी और ये आज संडे का दिन है संडे का संडे के नाइट संडे का नाइट है सॉरी दिन नहीं है ये शाम का समय में है जो कि झांकियां निकल रही है और यहाँ ये रा मतलब राउलकला से होकर के और बोलबम तक ये नारा गूंजता ही रहेगा मॉर्निंग में पहुंच के सबको कोई वहाँ पर जल डालते हैं तो यहाँ पे देखिए झांकियाँ कितना ही खूबसूरती के साथ में सजा करके और अपने अपने तरह से बहुत खूबसूरत खूबसूरत झांकियाँ यहाँ से निकल रही थी तो मैं उसे देखने लगी थी और आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वही झांकियाँ प्यारी प्यारी सी झांकियाँ ये देखिए भोले बाबा का और ये यह यहाँ पर उदित नगर का ये झांकी है जो कि फ़्लाईओवर ब्रिज के नीचे से जा रही थी और इतना ही खूबसूरत झांकी मैं क्या ही बताऊँ और श्रद्धालु देखिए कितने ही झूमते नाचते गाते और आज इतना गर्मी है कितना गर्मी है मैं क्या ही बताऊँ उसके बावजूद देखिए नंगे पाँव यहाँ रावल किला से होते हुए बोलबम तक क्योंकि यहाँ से से 25 किलोमीटर की दूरी पे हैं और ये झांकियाँ ले करके वहाँ तक जाएंगे और मॉर्निंग में वहाँ पे यहाँ पहले वेदव्यास जाएंगे जो कि वेद का बहुत बड़ा इतिहास है वेद आप लोग सुने होंगे इतिहास में जो कि वेदव्यास जी यहाँ राउल किला में ही जो वेद नदी के तट पे बैठ कर के इसीलिए लिए वहाँ का नाम भी वेदव्यास है जो कि महाभारत की रच रचना किए थे और ये देखिए यह हम आ गए हैं बासंती कॉलोनी में और ये बासंती कॉलोनी से ये झांकी निकल रही थी और ये देखिए कैलाश के भोले पर्वत पर्वत वाले भोले बाबा यहाँ पर कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं और यहाँ के श्रद्धालु अपने अपने हिसाब से सब कोई इतना अच्छा अच्छा झांकी यहाँ से निकल रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ और ये देखिए महाकाल का रूप में ये देखिए भोले बाबा का। और ये कितना ही खूबसूरत पूरा फूलों से और और इतना अच्छा और ये वाला ना अच्छा से दिख नहीं रहा है और मिट्टी के ऊपर वो घास और इतना और वो सर्फ मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी इतना खूबसूरत लग रहा था ये देखिए इतना अच्छा से बनाया गया था और ये बिल्कुल घास पर कलर थोड़ा ग्रीन नहीं आ रहा है पता नहीं क्यों क्योंकि नाइट का समय था जैसा कैप्चर हुआ मैं वैसे कर ली और इतना भीड़ था कि मैं क्या ही बताऊं तो ये देखिए बिल्कुल घास दूब वाली घास जो होती है ना उससे सजाया गया था और फूलों से सजा करके इसको कितना सुंदर और यहाँ पे बाजा मतलब डीजे वगैरह भोले बाबा का भजन वगैरह करते हुए कीर्तन वगैरह करते हुए जा रहे थे तो यहाँ पर तो कॉपी आ जाएगा और वो तो मैंने इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर दे रही हूँ और आप लोग को पता भी चल जाएगा कि कौन सी झांकी कहाँ की है ना तो ये देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है तो चलिए और आगे हम लोग और एक इस ये जब एक खड़ी हो गई थी क्योंकि उसके आगे से और एक झांकी आ गई थी इसी रूट से आ रही थी तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया था तो थोड़ा सा यहाँ पे सब कोई रुक गए थे हम लोग भी रुक गए थे क्योंकि वो साइड छोड़ने से और दूसरा तो ये देखिए दूसरा जा रहा और ये दूसरे वाले ना बिल्कुल वो जो उज्जैन वाले महाकाल है ना बिल्कुल उज्जैन वाला महाकाल का है जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा यहाँ से भीड़ जब कम हो जाएगा तो आगे चल के दिखाऊँगे बिल्कुल उज्जैन के महाकाल का दर्शन आपको यहाँ पे हो जाएगा तो चलिए चलते हैं और ये देखिए उज्जैन बाबा उज्जैन के महाकाल का रूप में इन्हें सजाया गया है और ये देखिए जहाँ के कितना ही खूबसूरत लग रहा है और ये देखिए यहाँ फूलों से और सब कुछ से किस तरह से सजाया गया है और भक्त किस तरह से झूमते नाचते गाते और सोचिए इतने दूर बीस से पच्चीस किलोमीटर का रास्ता ये तय करते हुए यहाँ से रावल किला से बोलबम तक यहाँ पर जाएंगे और ये देखिए बाबा कितना सुंदर झांकी निकल रहा है यहाँ पे और इसी तरह से बहुत सारी झाकिया गई पर मैं इतना ही कैप्चर करी और ये देखिए ये वाला बहुत ही अच्छा लग रहा था कैलाश पर्वत में बैठे और यहाँ देखिए भोले बाबा का पूरा मंदिर ही बना दिया गया है कितना ही अच्छा नहीं और इसके बाद आप लोग बने रहिएगा अगर मेरे वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसके बाद में वेद व्यास का यहाँ पे मेरा ब्लॉग आने वाला है तो वेद व्यास जी का वो जगह भी दिखाऊंगी जहाँ पे महाभारत का रचना किया गया था थैंक्स फॉर वॉचिंग